संजय जी ये हमारे बिरसा नगर के सह संयोजक बिरसा नगर के स्वदेशी जागरण मंच का नगर संयोजक सौरभ कुमार तिवारी। आपके स्वास्थ्य के लिए भी ब्लड देना बहुत फायदेमंद है। खुशी की बात है कि रक्तदान शिविर जहाँ भी लगता है वहाँ पे महिलाओं की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि सभी को पता है कि महिलाओं का रक्त जो है बहुत ही कम मतलब शरीर में होता भी है मतलब उनका, और क्योंकि चूंकि उनके साथ में एक महामारी की है हर महीने की है समस्या, दूसरी बात आती है उनके खान पान पर, औरतों के साथ में ज्यादा बिजी उनका जो है शेड्यूल होता है आदमी की अपेक्षा में पुरुषों की अपेक्षा में। तो हम लोगों के लिए आज हमारे स्वदेशी जागरण मंच में हमारे अनिता दीदी हैं और एक हमारी चंदा दीदी हैं और हमारे एक ग्रेजुएट की विमेंस कॉलेज के एक और स्टूडेंट थी, जो कि आज 3 महिलाओं ने हमारे इस शिविर में रक्तदान किया है। और ये हम महिलाओं के लिए यहाँ पर बहुत ही गर्व की बात है कि आज 3 महिलाओं ने दिया, और इनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि हम लोगों को भी जहाँ पर भी रक्तदान शिविर लगता है या फिर हमारे समाज से जुड़ी कोई भी बातें वैसी हो, जहाँ पर महिलाएं हर जगह पे अगर पुरुषों के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रही है तो रक्तदान शिविर में वो पीछे क्यों है। सबसे पहले अपने मन के विश्वास को बढ़ाइए, अपने मनोबल को बढ़ाइए और अपना खान पान सही रखिए, और ताकि आप कहीं पर भी शिविर लगे, हमारे स्वदेशी जागरण मंच कहीं कहीं पर भी रक्तदान शिविर लगता है तो आप अवश्य यह दान करें, क्योंकि आपको पता है कि रक्तदान जीवन दान है, यह सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और आप रक्तदान करती हैं तो इससे ज्यादा आपको पुण्य का काम नहीं कर सकती, इसकी भागीदारी बने। और हमारा स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से आप सभी को संदेश है कि आप लोग भी रक्तदान जरूर करें। मैं वंदना साहू स्वदेशी जागरण मंच साहब महिला प्रमुख हूँ और रक्तदान महादान जरूर करें। मैं रामानंद विचार विभाग प्रमुख जमशेदपुर के स्वदेशी जागरण मंच। अभी हम लोग 12 दिसंबर को बाबू गेनू के शहादत दिवस पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। बाबू गेनू 12 दिसंबर को ही शहीद होने में अपना ब्लड देश के नाम पर निछावर कर दिए। उनको विदेशी सामान के बहिष्कार में अंग्रेज के द्वारा ट्रक से दबा के मार दिया गया। उन्हीं के याद में हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। स्वदेशी जागरण मंच प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को ब्लड डोनेशन कार्यक्रम करते हैं। पूरे देश भर में होता होगा? पूरा देश भर में होता है, पूरा देश में स्वदेशी जागरण। आज कहाँ कर रहे हैं, कितना कार्यक्रम हम लोग का? आज हम लोग ब्लड बैंक जमशेदपुर में कर रहे हैं। टारगेट तो 100 रखे थे, अभी तक 50 हो गया है और कुछ लोग आने वाले हैं। रक्तदान शिविर में महिला भी भाग ले रही है और बढ़ चढ़ कर महिला ब्लड डोनेशन कर रही है, क्या बोलना चाहेंगे? आज मेरा नाम राजपति देवी हुआ, स्वदेशी जागरण मंच जमशेदपुर महानगर के मैं संयोजक हूँ। और हमारे स्वदेशी जागरण मंच का हर साल हम लोग 12 दिसंबर को रक्तदान शिविर हम लोग लगाते हैं, और 12 दिसंबर को ही स्वदेशी जागरण मंच 24 जिलों में आज रक्तदान शिविर लगता है। आज के ही दिन जो है बाबू गेनू का शहादत दिवस हम लोग मनाते हैं। बाबू गेनू जो है देश के लिए अपने ब्लड को निछावर किए, पूरे रोड में लेट गए और उनके ऊपर से ट्रक चढ़ा दिया गया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था, क्योंकि पूरे देश का जो ट्रक लदा हुआ सामान जा रहा था विदेश में और उन्होंने कहा कि नहीं जाने दूंगा, इसके कारण जो है अंग्रेज जो है उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया। और बाबू गेनू का शहादत दिवस हम लोग हर साल 12 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। कितनी महिला लो आज? आज महिलाएं हमारे यहाँ 3 महिला हम लोगों को ब्लड डोनेट की है, जिसमें एक अनीता सिंह है और एक चंदा है और एक लेडीज का नाम सुनीता कुमारी है। नीतिशा गुरु। तो ये महिलाएं आज ब्लड डोनेट की हैं। हर साल हम लोग करीब 10-15 महिला करती हैं, लेकिन इस बार कुछ
ठंडा के कारण, कुछ तबीयत खराब के कारण नहीं दे सकी हैं। खुद मैं भी देती हूँ ब्लड अपना, लेकिन मैं भी इस बार अपना तबीयत खराब के चलते नहीं दे सकी। और स्वदेशी जागरण मंच हर साल ये अपना 24 जिला, स्वदेशी जागरण मंच मतलब 24 जिला में ये ब्लड डोनेट का आज शिविर लगाती है। मेरा नाम विकास कुमार सानी हुआ और मैं स्वदेशी जागरण मंच का सह संयोजक, साथ में इस जो ये ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है उसका संयोजक, मेरे देख रेख में ये कार्यक्रम हुआ है। आज जो है हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं और पूर्व हमारे जो भी साथी बताए हैं कि किस कारण लगाते हैं तो उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन मेरा सभी से अनुरोध है कि आज के दिन हम लोग एक कैंप लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग के साथ जुड़कर ब्लड रक्तदान शिविर में शामिल हो और रक्त दें, क्योंकि मैं खुद पर्सनली बहुत सारे लोगों को ब्लड दिलाता हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉल आते हैं, मैं MGM से और ब्लड बैंक से बहुत सारे लोगों को ब्लड दिलाता हूँ। तो उनसे भी मेरी अनुरोध होगी कि जो मेरे से ब्लड लिए हैं कम से कम उसको ध्यान में रखते हुए ब्लड दान जरूर करें। इससे क्या होता है कि एक ज़रूरतमंद को जरूरत के हिसाब से ब्लड मिल जाता है। धन्यवाद। आपने रक्तदान किया, कितने दिन से आपने रक्तदान कर रही? जी मैं 2-3 सालों से रक्तदान कर रही हूँ। चूँकि हम महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी होती है और यही एक बड़ा कारण होता है कि महिलाएं हर जगह रक्तदान शिविर में छंट जाती हैं। तो चूँकि मैंने 2-3 महीने से इस बार सोचा कि किसी भी तरह मुझे ब्लड दान करना है, रक्तदान करना है, तो मैंने कुछ जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो सब अप्लाई किया, खुद पर खाया पिया और अपना हीमोग्लोबिन सही किया। और मुझे आज बहुत खुशी हुई कि 2-3 सालों के बाद फिर मेरा इस बार ब्लड रक्तदान हुआ है। ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि मैंने भी इसमें एक अपना रक्तदान करके पुण्य का काम किया है। मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि वो भी अपना हीमोग्लोबिन जब पता है, पता हो कि रक्तदान होने वाला है तो 1-2 महीने पहले से यदि वो प्रिपरेशन करने लगे तो उनका भी रक्त हीमोग्लोबिन सही हो जाएगा और वो भी इस महादान में, रक्तदान के महादान में अपना पुण्य की भागी बन सकते हैं। मैडम, लेडीज ब्लड देने के लिए डरती जी, आपने 2-3 बार दिया जी, लेडीज को मोटिवेशन दीजिए कि डरने की जरूरत नहीं है, क्या होता है, कैसे बॉडी में रिएक्शन होता है, उसके बारे में बताइए जी। महिलाएं डरती हैं कि कैसे होगा, डर लगता है कि मेरे शरीर से खून निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम ब्लड देते हैं तो हमें तो पता भी नहीं चलता, बस एक चींटी के काटने जैसा महसूस होता है और उसके बाद कुछ भी असर नहीं होता है। 15-20 मिनट आराम कर लें, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और मैं सभी महिलाओं से यही आग्रह करूंगी कि वो भी इस पुण्य के काम में आगे आएं और पुण्य के भागीदार बनें जी।